लोगों के मन में एक सवाल है कि अमोघ लीला जो एक कॉरपोरेट जॉब में थे, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो साधु कैसे बन गए। मतलब इस्लाम में अगर कोई अपना जीवन पूरा देता है तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। क्रिश्चियनिटी में अगर कोई अच्छा कोई पादरी बन जाता है, फादर बन जाता है, ओ रिस्पेक्टेड। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हमारा बेटा साधु बन गया, अरे आए रे आए हमारा बच्चा साधु बन गया जी, कितने दुख की बात है। उसने गंदी आते छोड़ दी, लड़की को लाइन मारना छोड़ दिया, उसने टंगड़ी खाना छोड़ दिया, अरे अरे माय गॉड, काल जो भी दारू पीता हमें भी खुशी होती। ये कोई वैल्यू सिस्टम है? व्हाट आर वी डूइंग? ढोंगी गुरु और मूर्ख चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो ये कलयुग में दुकान चल रही है एक्चुअली। ये मूर्ति पूजा गलत है। तांत्रिक वर्शिप, जय काली कलकत्ते वाली तेरे वचन जाए खाली फू, ये सब मूर्ति पूजा है, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है जी। ये कभी कभी जो आते हैं ना सड़क पे भीख मांगने के लिए, आए शनिवार आ जाए शनिवार, उसमें लोग सिक्के चिपका रहे होते हैं, ये मूर्ति पूजा और ये भी गलत है। बहुत सारे हिंदू के अपने परिवार में गुम है वो, तो धर्म को लेकर के ना उसमें जज्बा नहीं है, उसे फीलिंग्स ही नहीं है उसके अंदर, फीलिंग ही नहीं है। तो आओ कन्वर्ट करो, मैं और क्या, नहीं तो आयो घुमा के वो भी ले जाओ, करला सोई बना देगा और क्या, नहीं तो। इसलिए ये दोष हमारा है, ये दोष हमारा है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, संस्कृति नहीं सिखाते, शास्त्र नहीं सिखाते। क्यों? फिर वो साधु हो गया तो, फिर वो मंदिर में घंटा बजाएगा, वो पोंगा पंडित बन गया तो। इसलिए हिंदू सिखाता नहीं अपने बच्चों को, संस्कार नहीं सिखाता, फिर उनका बच्चा पोंगा पंडित बन जाएगा, साधु बन जाएगा। अच्छा डाकू बन जाए, माता पिता को दिक्कत नहीं है, ऐसा क्या करें, अपनी अपनी करियर चॉइसेस होती हैं। सो इट्स ओके, उसने चंबली घाटी में ऑफिस खोला है, इट्स चॉइस। कमा तो राय जी हर महीने 11 लाख रुपए कमाता है वो, इसमें खुश है हिंदू। बच्चा डाकू बने दे रोके, साधु बन जाए, हाय हमारा बच्चा साधु बन गया है, ये हिंदू का हाल है। उनका बच्चा ब्रह्मचारी बनता है तो रोने पड़ते हैं, साथ टीवी पहुंच जाते हैं, देखिए हमारा बच्चा पहले अच्छा खासा लड़कियों को लाइन मारता था, ये अभी शरीफ बन गया लाइन नहीं मार रहा लड़कियों को, ये पहले अच्छा खासा टंगड़ी तोड़ा करता था, शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहा है, बहुत गलत बात है। ये हिंदू माता पिता का हाल है ये। तो क्यों ना कन्वर्ट होंगे ये ढक्कन लोग, बिल्कुल कन्वर्ट होंगे, दे डिजर्व दिस, कोई भी कर सकता है इनको। तो इसे दोष ये दूसरे मिशनरीज का कम है, हमारा ज्यादा है। आज हिंदू सिर्फ एक रबर स्टैम्प हिंदू है, उसके अंदर हिंदू वाला कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों जय मसीह की। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इन साधु ने, जो कि इनका नाम है अमोघ लीला, तो इन्होंने क्या कहा है हिंदू लोगों के विषय में, कि जैसे मतलब इस्लाम में जब कोई व्यक्ति कोई बच्चा उनके मार्ग पे चलता है, उनके धार्मिक मार्ग पे चलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, उनके समाज को बहुत इज्जत उन्हें मिलती है। ऐसा ही मसीह लोगों में जब कोई पास्टर बनता है, जब परमेश्वर के मार्ग पे कोई चलता है, तो बहुत लोग आनंदित होते हैं, उनके परिवार में बहुत खुशी मनाई जाती है इस बात के लिए। लेकिन वहीं अगर हिंदुत्व में जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो उनके बच्चे अगर प्रभु के मार्गों पे चलने लगे, मतलब जो उन अपने देवी देवताओं को मानते हैं तो उनके मार्गों पे, उनके धार्मिक रास्तों पे चलने लगे, तो लोग कहने लगते हैं ये सातु बन गया, ये वो बन गया है, तरह तरह की बातें। सही है, ये बात सही है, क्योंकि संसार में यह सब होता है। लेकिन मतलब जिस धर्म और जित जात के लिए हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, हमारे हिंदू में से छोड़कर दूसरे में चले गए, कन्वर्ट हो गए, ये हो गए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को अगर अपने परमेश्वर अपने ही धर्म के मार्गों पर चलने से रोकते हैं, तो क्या ये सही है? अगर आप अपने ग्रंथ को उठाकर, अपनी किताबों को, अपने जो आपका जो परम आपके भगवान का, जो आपके देवी देवता उनका जो ग्रंथ है, जो कुछ भी है, अगर आप उनको पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि जो इन साधु ने कहा है, जिस इस व्यक्ति ने कहा है कि मतलब मूर्ति पूजा ये वो बहुत सी बातें इन्होंने कही है, तो ये सब गलत है। तो आज पता है लोग क्यों गलत शिक्षाओं में जो सच्चाई को जानते नहीं हैं लड़ते झगड़ते हैं, तरह तरह के मतलब जात और धर्म के लिए लड़ते झगड़ते क्यों लड़ते हैं? क्योंकि लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते, वो अपने ग्रंथ को उठाकर पढ़े, जो उनके धर्म की धार्मिकता की जो धर्म की पुस्तक है उनको पढ़े, उन्हें पता चलेगा कि हमारी धार्मिक पुस्तक हमें क्या कहती है।